तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान के डे 13 की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की ऑफिशियल कलेक्शन की फुल रिपोर्ट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, धमाका मचाया, मतलब ट्यूसडे वर्किंग डेज होने के बाद भी ऐसी कमाई करी, इतनी उम्मीद ही नहीं थी। मतलब जितना भी मैंने प्रिडिक्शन करा था अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट में, अगर आपने वीडियो वो देखी है तो सारे आंकड़े ज़्यादा ही निकले हैं वहाँ से, 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ का ज़्यादा ही कलेक्शन आया है। और कल गणेश चतुर्थी थी तो इसका फुल फ़ायदा उठाया मूवी ने, तो हिंदी से कल मूवी फुल डे में 12.90 करोड़, यानी पूरे 13 करोड़ ही मान के चलो हिंदी से कलेक्शन किया है कल पूरे दिन में। तमिल तेलुगू से मिला के 1.90 का कलेक्शन कराया है, तो टोटल नेट कलेक्शन तमिल हिंदी और तेलुगू तीनों लैंग्वेज को मिलाकर कल फुल डे का होता है नेट कलेक्शन 14.80 करोड़, यानी 15 करोड़ ही मान के चलो राउंड फिगर में। इसी के साथ पूरी दुनिया से कल आया है 24 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन, और मेरी अर्ली प्रिडिक्शन में मैंने क्या बताया था कि पूरी दुनिया से कलेक्शन करेगी मूवी लगभग 22 करोड़ के आसपास। तो वही मजा आ गया, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा अगर जब मिल जाता है ना, 2 करोड़ पूरी ज़्यादा आया है ऑफिशियल रिपोर्ट, जबकि प्रिडिक्शन था मेरा 22 करोड़, तो मजा आ गया भाई को। गणेश चतुर्थी का मैं फिर कह रहा हूँ फुल फ़ायदा उठाया है, हॉलीडे का फुल फ़ायदा उठाया है, ट्यूजडे वर्किंग डे होने के बाद भी पूरी दुनिया से इतनी जबरदस्त कलेक्शन, वो भी अपने 13वें दिन में 20 करोड़ के आंकड़े को पार करते नजर आई मूवी। हालांकि ऐसे टाइम पर मूवी की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, 20 करोड़ से नीचे का ही कलेक्शन देखने को मिलता है, वो भी वर्ल्ड वाइड, और इंडियन कलेक्शन की तो बात ही मत करो, लगभग 9-8 या फिर 10 करोड़ के आसपास में देखता है। लेकिन मूवी अभी भी नेट कलेक्शन से कितनी कमाई करी है, 14.80 करोड़ की कमाई, मतलब 15 करोड़ के आसपास नेट इंडियन से कमाया है मूवी ने कल 13वें दिन में। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो पहले 13 दिन में हिंदी से कितना कलेक्शन कर चुकी है मूवी, लगभग 457 करोड़ की कमाई, मतलब 457.59 करोड़, राउंड फिगर में 458 करोड़ ही मान के चलो कि कमाई सिर्फ हिंदी बेल्ट से ये मूवी कर चुकी है। सॉलिड अमेजिंग ग्रोथ, और वो दिन दूर नहीं जब 500 करोड़ के आंकड़े को ये अगले आने वाले 5 या 6 दिन में ही कवर अप कर लेगी। तमिल तेलुगु से पहले 13 दिन में कितनी कमाई कर ली, 53.45 करोड़, ह्यूज कलेक्शन। तमिल तेलुगु से इतनी बड़ी कलेक्शन कभी आई ही नहीं बॉलीवुड के लिए, हिंदी मूवी के लिए कभी आई ही नहीं, और जवान ने उस रिकॉर्ड को ना कि सिर्फ तोड़ा, अपने नाम किया, रिक्रिएट भी नहीं बोलेंगे, क्रिएट किया इस रिकॉर्ड को खुद जवान ने, SRK ने क्रिएट किया है। पहले 13 दिन में टोटल नेट कलेक्शन कितना आया मूवी से, 500 करोड़ भाई साहब, 500 करोड़ सिर्फ 13 दिन में ही नेट इंडिया से करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पैन इंडिया की अगर मूवी देखें ना, तो ऐसे आंकड़े सिर्फ उन्हीं के टाइम पर देखने को मिलते थे, लाइक KGF 2 जब आई थी, RRR जब आई थी, Bahubali 2 जब आई थी, तो ऐसे बॉक्स ऑफिस में सुनामी आ जाती थी जब पैन इंडिया की ऐसी मूवी आती थी। लेकिन बॉलीवुड मूवी ऐसा रुझान लाएगी, बाय गॉड, ये कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है KGF 2, RRR और Bahubali 2 का। खैर, KGF 2 और RRR के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन को तो ये खदेड़ी चुकी है, फिलहाल तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि RRR और KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी ये खदेड़ देगी। अगर हो जाता है तो भाई मजा आ जाएगा बाय गॉड, क्योंकि इंडियन सिनेमा में सिर्फ पैन इंडिया की मूवी ही टॉप लेवल पर है, बॉलीवुड की या हिंदी की कोई भी मूवी टॉप लेवल पर है ही नहीं, पर जवान में वो पोटेंशियल अगर ये कर जाती है तो मजा आ जाएगा बाय गॉड। तो पहले 13 दिन में ही टोटल नेट कलेक्शन हो चुका है 500 करोड़, और पूरी दुनिया से पहले 13 दिन में कितना कलेक्शन हो चुका है, 907.54 करोड़, राउंड फिगर में 908 करोड़ ही मान के चलो या फिर 907 करोड़ ही मान के चलो, भाई अमेजिंग ह्यूज कलेक्शन, मात्र 13 दिन में ही 900 करोड़ को कवर किया है मूवी ने। अब मात्र 93 करोड़ की और ज़रूरत है 1000 करोड़ को कवर अप करने के लिए। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिन में ही, या सैटरडे एंड या फिर संडे एंड तक, जवान 1000 करोड़ का कलेक्शन सॉलिड तरीके से अपने खाते में ले आएगी। मतलब पैन इंडिया की जो भी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ थी उनको पूरा टक्कर दे रही है, पूरा खदेड़ने की ताकत तक रही है जवान, तो भाई मजा आ जाएगा, ये सिनेरियो देख के मजा आ रहा है। और तो अब आप लोगों का क्या कहना है कि जवान KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ देगी, और मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि KGF 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना है, ये आप लोग बताएंगे कि पूरी दुनिया से KGF 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना है, और ये मूवी इसके रिकॉर्ड को तोड़ देगी या नहीं तोड़ देगी, ये सारा कुछ आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।